Yes, students. So these are the four questions. Hurry up, quickly solve it, and then after 2 minutes, we are going to discuss this. So we have done all this before also. This is very easy. So what is the answer to the first question? 5 raised to power 3. Beta, I have told you that if it is written simply 5, and if you get the power 5 or less than 5, किसी भी base की power अगर 5 है या 5 से कम है और question में लिखा है simplify, तो आपने उसको पूरा solve करना है. अगर आप उसको 5 क्यूब तक छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे. एम आई क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इफ इट इफ द आंसर लाइक द क्वेश्चन इज सिंपलीफाई एंड यू हैव गॉट द आंसर 5 क्यूब एंड इफ यू विल नॉट राइट इट एज 5 × 5 × 5 125 देन योर हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड. आई एम टेलिंग यू इन द बिगनिंग ओनली. ठीक है? सो पावर की पावर मल्टीप्लाई इट इज 5 raised to power 6 डिवाइडेड बाय 5 raised to power 3. That if the bases are same and there is division sign in between, then the power get subtracted. It will be 5 raised to power 6 − 3, 5 raised to power 3. If the question is write in exponential form, then you can leave the answer here. But if it is written simplify, then you have to 5 × 5 × 5, that is 125. Fine. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर आप 5 क्यूब पे छोड़ दो. अगर आता है क्वेश्चन दैट एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन लीव देयर ओनली. ठीक है? नाउ सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया रुद्राश, आपका आंसर क्या आया? हर्षज, आपने किया है सेकंड क्वेश्चन? समझ नहीं आया आपको? समझ आया रुद्रांश? कैसे करोगे जरा बताना क्या? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? नाइन माइनस थ्री. क्यों माइनस करेंगे? वेरी गुड. बेस सेम है और डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या होंगी? माइनस 3/7. दीज आर द बेसिक थिंग्स. अगर आपने समझना नहीं है ना बेटा, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता, आई एम नॉट गोइंग टू जज नाउ. फॉलो दैट हु नोज द सॉल्यूशन, हु डज नॉट. लेकिन आपके लिए बोल रही हूँ, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता ना, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड. ठीक है? आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज इन एवरी क्लास यू हैव अभी आपने 10th तक तो मैथ्स करना ही है ना. बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा. पता नहीं क्या सोच कर बैठे हो तुम लोग. हर्षज, आपको ये क्वेश्चन में नहीं आता? सिंपल सा लॉ लगना है इसमें. कैसे पास होना है आपने? चीटिंग करके? हाँ, आपने किया ना बे सेकंड क्वेश्चन? फिर आपने कैसे करने ये क्वेश्चन? चीटिंग करके सोचा हुआ है? पेपर ऑनलाइन होने हैं, हमने नहीं पढ़ना, घर में ही बैठ के पेपर देने हैं. चाहे बुक खोलो, चाहे नेट खोलो, जो मर्जी खोलो. कब तक? बुरा ही हाल है तुम लोगों का, बुरा ही हाल है. वैसे देख रहे हैं हम अपना, आप लोगों के टेस्ट में भी. अच्छा कोरोना आया, तुम लोगों की तो मौजें लग गई हैं. घर में बैठ जाओ, पढ़ो. घर में बैठे हो सेफ्टी के लिए बैठे हो, ये थोड़ी कि मजे करने के लिए बैठे हो. पढ़ना ही नहीं है. यहाँ हम रिविजन करा करा के थक गए, लेकिन तुम लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमने नहीं पढ़ना. सेम बेस. So power division sign, so powers will be subtracted. Sit down, Rudransh. 9 − 3, it is equal to 3/7 raised to power 2x − 4. 9 − 3 will be 6. You will be right in the second step. Now I have told you earlier also, if the bases are same, then and there is equal to sign between. अगर left hand or right hand side पे same base है, तो पावर्स क्या होंगी? सेम. सेम मींस इक्वल. तो बस पावर्स को इक्वल उठाकर पावर को इक्वेट कर देना. 4 इधर आके प्लस 10 इज इक्वल टू 2x.
अगर डिवीजन साइन है तो पावर माइनस होती है, अगर मल्टीप्लाई साइन है तो पावर प्लस होती है. दैट्स इट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. क्या ये क्यों नहीं जा रहा है माइक? हां जी क्या आंसर है? 36. Now let's see, the answer is 36. 2 into 3. सिंप्लीफाई लिखा है, हम इसको ओपन कर देंगे. ठीक है, 9 into 4 into 4. 2 2 is 4, एक 4 गया. ऐसे इकट्ठा काट दो बार बार ऐसे करने के बजाय. 2 2 is 4, एक और 4 गया. 3 3 are 9, एक 9 गया. What we are left with? 2 3 3 and then 2. 4 into 9, 36 is the answer. Right? Aaya tha answer? Yes. 36. आपका आंसर 36 आया. बस बात खत्म. Now next, yes Shabad, what is the answer of this question? Minus 4 raised to power 120. Yes. As the bases are same and multiply sign in between, so the powers will be added. Minus 4 raised to power 100 plus 20. Minus 4 raised to power 120. Fine. Anyone is having hard copy of the assignment? कॉपी जिस पे के किया हूं सम्स एक्सपोनेंट्स के? कुछ नहीं लाते, बस ऐसे आ जाते हो स्कूल में. ठीक है, इक्वेशंस करो फिर. सो आई एम गोइंग टू राइट मोर क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग. सॉल्व चलो बच्चे. नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू इक्वेशंस. अकुल जी यहाँ कौन सा लॉ लगाओगे? से सॉरी टू योर सेल्फ. चलिए now I'm going to solve the questions and please you will tally your answers with me. So 16 is equal to 4. This I have told you earlier also. See, this is the bracket and outside the bracket we are having 3. So this means this 3 will get multiplied with this also and with this also. Fine, it will be 16 is equal to 4 plus 3t plus 6. इसमें क्या मुश्किल है जिया? आप ये स्टेप नहीं कर पा रहे थे इसमें. मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि सम को देखते ही पता चल जाता कि हमने इसमें ये करना है. आपको क्या नहीं समझ आ रहा था? अब समझ आ गई है? इसके बाद हम क्या करते हैं? जो t वाली टर्म्स है उसको इकट्ठा करते हैं, जो बिना t वाली टर्म्स है उसको इकट्ठा करते हैं. यहाँ पर 16 है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3t. 10 बिना t के है, 16 भी बिना t के है. इट विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 16 minus 10 is equal to 3t. 6 is equal to 3t. 3t के साथ multiply हो रहा है, इधर जाके divide होगा. So the value of 2t is 2. Is equal to t is equal to 2. जिधर मर्जी t की value 2 चाहिए हमें. 3t is equal to 6. ले वो बात एक ही है. मेरे पास 10 notes है, सामने वाले के पास भी 10 notes है. We are equal. ठीक है, मैं इधर खड़ी हूँ चाहे उधर खड़ी हूँ, बात एक ही है. 3t is equal to 6 or 6 is equal to 3t is one and the same thing. Fine? Yes, Shabad. Minus plus. Plus or minus? Plus. Okay, see. Now here look on the board. Minus 4 is equal to
5 into p, 5 into 2, 5p minus 10. Minus 10 उधर जाके minus 4 plus 10 is equal to 5p. 10 minus 4, 6. Positive क्योंकि 10 बड़ा उसके साथ plus sign है. 6 is equal to 5p. So the value of p is 6 over 5. Fine. So next. हाँ जी जानवी आप बताओ. हाँ 12 बेटा इधर देखो इन दिस क्वेश्चन ये जो 3 है ये पूरे के नीचे नहीं है ये सिर्फ 2b के नीचे है तो आप इस 3 को फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड पे नहीं लेके जा सकते आई होप इट इज क्लियर एज दिस 3 इज ओनली अंडर दिस 2b So we cannot take this 3 on the right hand side in the first step only. What we have to do? We have to either we can take the LCM on the left hand side. That will be a bit confusing. Chup karke is 5 ko udhar le jao. 2b over 3 is equal to 3 plus 5. 2b over 3 is equal to 8. Ye multiply hoga. 8 3 sa 24. B is equal to 24 by 2. Answer is 12. ठीक है? हाँ जी हरमन. 5 answer है. 7 answer है. देखो. 4 plus 5P. Plus minus minus 5 into 1, 5 is equal to 34. 4 plus 5p, मैं पहले उस 5 को उधर ले जाती हूँ. आप इसको इधर भी सॉल्व कर सकते हो. 5 minus 4 is minus 1, ठीक है? बट अगर आपको कंफ्यूजन है, पहले सिर्फ 5 को ले गए. 4 plus 5p is 39. फिर अगेन दिस 4 is without p, it will go on the right hand side. 5p is equal to 39 minus 4. 5p is 35. 5 answer कैसे आया हरमन? हाँ, गलती यही होती है. पढ़ी नहीं ना? साल आए नहीं हमारे यहाँ काबू तुम लोग. तू तो अच्छा बच्चा है पढ़ता है. नहीं नहीं आप पता होता है ठीक है बेटे 7 आंसर है ओके नाउ यस आपने किया सहज और सहज लास्ट क्वेश्चन 5th नहीं किया कि नहीं नहीं रुद्राक्ष आपने किया नो नवे बाय व्हाट टू डू इधर देख इसमें है क्या मतलब मैं करवा चुकी हूँ ये सब और तुम लोग उस वक्त क्लास में प्रेजेंट थे भूल क्यों जाते हो मतलब इसको देख के समझ नहीं आ रहा कि क्या करें ये पूरे के नीचे है थ्री ये पूरे के नीचे क्या करेंगे देख के ही पता चलता है इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे अभी तो मैं दे दूं कोई गेम की हाँ इसको कैसे ऑपरेट करना है मोबाइल पे देखना जरा न्यू गेम है मैं कहती हूँ सारे के सारे जान जाएंगे इसमें क्या फीचर्स हैं। So it will be 5 will come here in the numerator and it will get multiplied with x minus 5. So you have to put x minus 5 in the bracket. And 3 को उधर लेके जाने हैं। Now you have to open the bracket. 5 into x. Don't shout. Minus 25. 3x. माइनस 3 3 9 फिर 3x माइनस 9 पहले मैं 25 को उधर लेके जाती हूँ थोड़ा सा सिंपल देखने में सिंपल हो जाएगा ठीक है 5x is equal to 3x 25 माइनस 9 is 16 प्लस का ठीक है फिर 3x उधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस 2x is equal to 16 सिंपल ठीक है जी ऑल राइट स्टूडेंट्स सो विल कंटिन्यू टुमारो
That's all for today. Take care.